सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो कलर ग्रेडिंग का बिफोर एंड आफ्टर देखा, इस तरीके का आप लोग कलर ग्रेडिंग आप लोग देख सकते हैं। हर स्टेटस में इस तरीके का कलर ग्रेडिंग आजकल दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है इस तरीके का कलर ग्रेडिंग, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। फुल HD में और भी ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके का कलर ग्रेडिंग आप भी अगर अपने स्टेटस में क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। बहुत ही कम समय में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस तरीके का कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक वीडियो आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है, जिस वीडियो को आपको कलर ग्रेडिंग करना है आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, एफेक्ट्स में जाना है, एड एफेक्ट्स में जाना है, नीचे आना है, अदर पे जाना है, चैनल रिमेप RGB आपको सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं जो थर्ड नंबर वाला B है आपको सिंपल से G कर लेना है, और आप लोग A को आपको सिंपल से 1 कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कलर चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, सर्च करना है कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर आ गया, कलर टेम्परेचर को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, कलर टेम्परेचर को ओपन करना है, और इसका टेम्परेचर को आपको 8000K कर देना है, ठीक है, 8000K कर देना है। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, और आपको सर्च करना है सेचुरेशन, सेचुरेशन को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, सेचुरेशन को ओपन करना है, और इसको सेचुरेशन आपको +20 कर लेना है। इस तरीके से आपको +20 कर लेना है। उसके बाद फिर से बैक आना है, फिर से एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, अभी आपको सर्च करना है एक्सपोजर, एक्सपोजर एंड गामा आ गया है, सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, एक्सपोजर एंड गामा को ओपन करना है, और आपको अपने वीडियो के हिसाब से इसका एक्सपोजर आपको इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 0.30 रख देता हूँ। इस तरीके से आप अपने वीडियो के हिसाब से आपको एक्सपोजर इंक्रीज या डिक्रीज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, फिर से एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, सर्च करना है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट आ गया है, सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, नीचे आना है, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को ओपन करना है, कॉन्ट्रास्ट को आपको +10 कर लेना है। इस तरीके से देख चीजें, उसके बाद देख सकते हैं हमारा जो इफेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस तरीके से कलर ग्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। तो बहुत ही कम समय में मैंने आपको बता दिया कि कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं इस तरीके से वीडियो में, और अपने स्टेटस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और ये कलर ग्रेडिंग वाला आपको वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।